दोस्तों सीईटी ग्रुप सी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो कैप्चा दिया गया है नीचे जो इसके अंदर अक्षर लिखे गए हैं जो कहते हैं ऊपर के बॉक्स में भरने होंगे और फिर लॉग इन कर देना होगा। जैसे ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी और थोड़ा सा जो नीचे है यहाँ पर ब्लैक कलर में यहाँ लिखा है प्राथमिकताएं का चयन करने के लिए आगे बढ़ें, प्रोसीड टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस प्रेफरेंस के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ऊपर आपकी डिटेल दी जाएगी और नीचे सभी कैटेगरी यहाँ पर दी होगी। अब जैसे आपको कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट वो यहाँ पर चुनना होगा। जैसे ग्राम सचिव प्रधान है इसके सामने का कॉलम है सिलेक्ट प्रेफरेंस में, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको एक नंबर देना चाहता हूँ तो मैं इसको एक नंबर दे दूँगा। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड पटवारी है, अगर मैं इसको दो देना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं इसका दो कर दूँगा। और उसके बाद और देख लेते हैं, जैसे मैं केनाल पटवारी को तीन नंबर देना चाहता हूँ तो तीन नंबर इसको दे दूँगा। इस प्रकार एक्साइज इंस्पेक्टर को चार नंबर देना है आपको तो यहाँ पर आप चार दे देंगे। और इसी प्रकार अन्य जो भी पोस्ट है जितनी भी है इसके अंदर सारी को आपको बारी बारी से प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और इसको सारी प्रेफरेंस भरने के बाद सभी पोस्ट की यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं चेकबॉक्स इनके अंदर आपको सभी के अंदर टिक करना होगा। इस प्रकार आप इनके अंदर टिक करेंगे, टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। देखिए इसके बाद अभी प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा कि मैंने जो भी जानकारी जो प्राथमिकता भरी है वो जांच उसकी कर ली है। आपको उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर एक बार और आएगा कि आप सच में या वाकई यह चयनित पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं, फिर आपको ओके करना है। इसके बाद देखिए आपका जो प्रेफरेंस है वो पंजीकरण हो चुका है। ये यहाँ पर प्रिंट एक्नोलेजमेंट का नंबर आ गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट एक्नोलेजमेंट पर आपको इसका प्रिंट निकालना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसका प्रिंट करना है। प्रिंट एक्नोलेजमेंट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा जो डिटेल है वो सारी आ गई है। मैं इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेता हूँ। अच्छा एचएसएससी ऑनलाइन ये आ गया है, इसको मैं पीडीएफ के रूप में सेव कर लूँगा। सीईटी सेव, ये पीडीएफ के रूप में सेव हो चुकी है फाइल मेरे पास। और अब इसका मैं वहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर जाके अपलोड कर दूँगा। देखिए अब इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए फाइल चूज करने का ऑप्शन आ गया है। चूज फाइल करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करने के बाद सबसे पहले ये देखिए जेपीजी या पीडीएफ में होनी चाहिए ये, और कम से कम 2 MB से ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करके अपनी गैलरी से वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं इनके अंदर दोबारा से टिक बॉक्स करेंगे और इनको टिक करने के बाद ये फाइनल सबमिट है, यहाँ से सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप अपना जो प्रेफरेंस है वो पूरी तरह से फाइनली सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।